एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर हमारी कुंडली में मारक ग्रहों की अगर दशा चलती है या अरिष्ट ग्रहों की अगर दशा चलती है और हम बीमारियां होती है तो हमें क्या सरल उपाय हैं जो हमें करना चाहिए, उसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम देखें कि जब भी हमें कोई सी बीमारी चल रही है या मृत्यु तो कष्ट हो रहा है और उस समय मृत्यु का समय भी चल रहा है, तो इस समय आपको क्या करना चाहिए कि अगर जो भी मारक भाव हैं उनके ग्रहों की अगर दशा चलती है तो उनके जो उपाय हैं आपको और जो किए जाते हैं वो जप से किए जाते हैं, दान से किए जाते हैं तथा महामंत्रुजय का जाप करना चाहिए। सबसे बड़ा जो मंत्र है महामंत्रुजय मंत्र है, उसका जप करना चाहिए। वो आप जो भी जातक और जातिका है अपनी कुंडली को देखें कि लग्न के अनुसार हम जो बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए हम एक वृश्चिक लग्न है तो इसमें जो मारक भाव है सातवां भाव है उसका स्वामी शुक्र बनता है और दूसरा मारक भाव है आठवां भाव है उसका जो स्वामी बनता है बुध ग्रह। तो इस वृश्चिक लग्न वाले जो भी जातक और जातिका हैं उनके जो मारक भावों के स्वामी बन गए शुक्र और बुध, जब भी इनकी दशा अंतर्दशाएं आएंगी तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं और हमें बीमारियां होती हैं, नाना प्रकार के हमें प्रॉब्लम आते हैं, बाधाएं आती है। तो इसका जो बहुत ही उपयोगी जो बात है कि आपको महामंत्रुजय का जाप करना चाहिए। महामंत्रुजय का जाप करने से उनके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, इसमें शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है। तो इस मंत्र के द्वारा जो है अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त होता है, ये बहुत ही बड़ी चीज होती है। अगर आप इसको विधि विधान से अपने पंडित जी से बात करके उसकी विधि और सब समझ लें और उसको तरीके जो भी तरीका बताते हैं उसके अनुसार करना चाहिए। जैसे कि इसके महामंत्र जब कराया जाए तो वो व्यक्ति जो बीमार है वो पूर्ण स्वस्थ भी हो सकता है। तो महामंत्रुजय का जो जाप है वो है मंत्र है ओम त्र्यंबकम् यहा महे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंधना मर्त्यो मुक्षि मामता। तो ये मंत्र आप गूगल से सर्च कर सकते हैं और उसको आप अपने पंडित जी से बात करके उसके मंत्रों के जो विधान बताए हैं वो करना चाहिए। तो ये उपचार करना चाहिए जिससे कि आपको दूसरी जो तंगियां हैं जैसे पैसों की तंगी है वो ठीक होती है, आयु भी लंबी होती है। तो इसको कोई ब्राह्मण के द्वारा भी कराया जा सकता है। तो इसको जो इसका विधि विधान के लिए आप ब्राह्मण से परामर्श कीजिए, वो आपको बताएगा। कम से कम एक माला जाप 108 बार हमेशा करना चाहिए, उसको रुद्राक्ष की माला को करना चाहिए। तो अपने घर में अगर मंदिर में करते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो घर में भी आप करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। तो आप अपने घर के अंदर सर्वप्रथम जो है शिव जी की आराधना करना चाहिए, उसके लिए सभी तरीके से जो अपना घर का मंदिर है अगर आप वहाँ नहीं जा सकते मंदिर में तो घर पे भी शिव जी की प्रतिमा है, शिव जी के जो चित्र है वो रखिए और ये मंत्र को 108 बार प्रतिदिन जरूर कीजिए। जब भी आप ये करें उस समय आपका धूप दीप अगरबत्ती जलाना चाहिए उसके पहले, तो और रुद्राक्ष की माला से इसका जाप करना चाहिए। तो इस तरह आप अपने ब्राह्मण से इसकी जानकारी लीजिए। और जैसा हम देखें कि हम मारक भाव जो के जो स्वामी बनते हैं शुक्र हैं और बुध हैं, तो इनके मंत्रों के जाप भी करना चाहिए और
और उनकी जो जाप संख्या है, जैसे शुक्र की है 16,000 है वो करना चाहिए, और बुध की जो है 9,000 है वो करना चाहिए। साथ साथ में जो हमें बुध के लिए गणेश जी की आराधना करना चाहिए, और शुक्र के लिए हमें लक्ष्मी देवी जी की पूजन आराधना करना चाहिए। और जो भी आपको बताया गया है इनके मंत्रों के जाप करने के साथ साथ में, अगर हो सके तो आपको जो पन्ना वगैरह नहीं पहनना है, अगर बुध का पन्ना पहना हुआ है तो उसको निकाल दीजिए, और शुक्र के लिए अगर हीरा पहना है तो वो भी नहीं पहनना चाहिए, उसको भी निकाल दीजिए। तो कोई नग भी नहीं पहनना चाहिए, मारक भावों के स्वामियों के हम नग नहीं पहनते हैं। तो आप अपने जो भी कुंडली है उसमें आप पता लगा लीजिए आपके मारक भाव के स्वामी कौन है, अगर उनके अगर नग पहने हैं तो उनको नहीं पहनना चाहिए। और जो भी उनके जो दान की वस्तु है, जैसे बुध की चीजों का दान है, हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए, हरा वस्त्र दान करना, हरी सब्जी आदि का दान करना चाहिए। और शुक्र जैसा यह मारक है तो शुक्र की जो वस्तुएं हैं वो चांदी है, चावल है, ये मिश्री है, इनको आपको दान करना चाहिए, और सुगंधित पदार्थों के भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दान कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, और साथ साथ मंत्रों के जाप संख्या जो बताई है वो कीजिए, और जो आराधना बताई है उनकी आराधना कीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आप बहुत ही प्रॉब्लम में है कि मृत्युतुल्य कष्ट हो रहे हैं, आपको बीमारी भी आपकी नहीं जा रही है, और इनकी दशाएं अंतर दशाएं चल रही है शुक्र की और बुध की वृश्चिक लग्न वाले जातकों को, तो जो हमने बताया उनके आप बुध और शुक्र के मंत्रों के जाप कीजिए, उपवास कीजिए, चीजों की दान करने की वस्तु बताइए वो कीजिए, और महामंत्योदय का जाप जरूर कीजिए। एक कम से कम 3 माला हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो 1 माला का जाप सुबह शाम जरूर कीजिए। जब भी इन दशाएं अंतर दशाएं चल रही है तो महामंत्योदय का मंत्र आप अच्छे से जान लीजिए, उनको बोलिए और 108 बार बोलिए, रुद्राक्ष की माला पे बोलिए। तो आज हमने जो जानने का प्रयत्न किया कि अगर हमारा जो भी लग्न है और मारक भावों की अगर दशा अंतर दशा चल रही है और उस समय हमें बहुत से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, रोग ऋण शत्रु बढ़ रहे हैं, अचानक बीमारियां बढ़ रही है या लंबी बीमारियां चल रही है, और इस तरह से हमको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये इन सब के जो निवारण के लिए आपको जो हमने सरल तरीका बताया वो आपने जाना है, जैसे वार्षिक लग्न के लिए बताया, ऐसे आप जो भी लगने वाले हैं आप अपनी कुंडलियों योग्य ब्राह्मण को ज्योतिषी को दिखा के जो उपाय बताए हैं वो जरूर कीजिए, जिससे कि आपको जो भी परेशानियां हो रही है उसमें कमी आएगी, और आपका जो प्रभाव है इन ग्रहों का वो कमजोर हो सकता है। आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे थे, हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने वीडियो ये जो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसको भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप टेलीफोन से परामर्श ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आपको हमारे वीडियो देखने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।